The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक्स डाइट, मतलब ज़्यादा खाओ और फिर भी वजन घटाओ। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ज़्यादा खाना खाओ, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खाओ और फिर भी आपका वज़न कम हो रहा हो। ये एक ऐसी डाइट है जो पहले एक पीएचडी डॉक्टर बारबरा रोल्स ने बनाई थी। इनका क्या हिसाब था कि ये आपको भूखा नहीं मारेगी, आप भूखे नहीं रहोगे, आप खाना ज़्यादा खाओगे और इसमें आपको हेल्दी फूड ज़्यादा खिलाया जाएगा ताकि आपका पेट ज़्यादा भरे, राइट। और पेट ज़्यादा भरेगा तो आपको भूख, दूसरी चीज़ों की भूख कम लगेगी। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, मगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जो फोकस क्या है कि आप फुल फील करो, पूरा दिन पेट भरा रहेगा। वो उन डाइटों के हिसाब से नहीं है कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, उबला खाना खाना, नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, सिर्फ ये सिर्फ वो, नथिंग लाइक दैट। आप फुल होगे, आप प्रॉपर पेट भरेगा तो ही आपको खाना, दूसरा खाने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसी फूड दिया जाएगा जो आपको कम कैलोरीज में ज़्यादा न्यूट्रिशन दे, कम कैलोरीज में सही मात्रा में जो आपके कार्ब्स हैं, जो प्रोटीन है, वो आपको सही मात्रा में मिले। वो टाइप के फूड्स आप ज़्यादा खाओगे और वो फूड जो टेस्टी है, जो ज़्यादा खाओगे ताकि आपको सही मात्रा में ये सब मिले, और जो बहुत ज़्यादा मोटे करते हैं वो आप कम खा पाओगे। तो इसलिए ये एक्चुअली वर्क करती है, आप लॉन्ग टर्म ले सकते हो, कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो वेट लॉस भी इसमें स्लोली होगा, स्टेडी होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि आप और मोटे होना बंद कर दोगे और अपना लाइफ इंजॉय कर पाओगे हाउस एवर यू वॉन्ट, राइट। सो ये वेट लॉस का गोल डेली, ऐसा कुछ डेली कैलरीज गिनने वाला हिसाब किताब नहीं है, मगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी चाहिए, ऑब्वियसली एज यूजल हमेशा। बॉटम लाइन, जितना आप लूज करना चाहोगे आप उतना कर सकते हो और पेट भरा रख के। सो क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, देखते हैं इस फेज में। बेसिकली आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन आपको फूड की, खाने पीने की एनर्जी डेंसिटी, यानी कितनी फूड में कितनी कैलोरीज है, उसका सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि एक, और उसका प्रोपोर्शन होगा, कुछ चीज़ ज़्यादा खा पाओगे, कुछ चीज़ कम खा पाओगे। तो ऐसी फूड को चार कैटेगरीज में डाला गया है। नंबर वन कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है फ्री या एनी टाइम फूड, जो आप कभी भी कितना भी खा सकते हो। उसमें आते हैं फ्रूट्स, हर प्रकार का कोई भी फ्रूट, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, टमाटो, मशरूम्स या कोई भी सूप, राइट, वेजिटेबल्स, सारे सैलड्स, वो सब उसी में आते हैं, जितनी भी सब्जियां उसी में आती हैं। कैटेगरी वन, जितने खाना है उतना खाओ, जब खाना है तब खाओ, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात को उठ के, कभी भी, डजंट मैटर द टाइम। सेकेंड कैटेगरी है कैटेगरी टू, जो आप एक रीजनेबल प्रोपोर्शन में खा सकते हो, जैसे होल ग्रेन्स, जैसे कि आपने फुल होल ग्रेन ब्राउन राइस ले ली, होल व्हीट की का कोई रोटी ले ली, होल व्हीट का पास्ता ले लिया, कोई लीन प्रोटीन ले लिया, लीन प्रोटीन मींस लो फैट मिल्क हो गया, लो फैट डेयरी, लो फैट पनीर, या एक जो लीन प्रोटीन का हमारा एक टोटल अलग वीडियो, वो देख सकते हो लीन प्रोटीन के बारे में, दालें हो गई, वो आप एक रीजनेबल प्रोपोर्शन में खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। रीजनेबल, रीजनेबल मींस जितना आप पहले खाते थे उतना या उससे कम, लेकिन आपको इससे ज़्यादा कैटेगरी वन की चीज़ें खानी है। तो प्रॉब्लम इज समटाइम्स हम सिर्फ यही खाते हैं कि भाई हम कम ही खाते हैं, हम तो सिर्फ रोटी, एक रोटी खाते हैं, ये खाते हैं, ऐसा नहीं। वी नीड टू ईट मोर 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 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब तक नहीं खाओगे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी को जो उनको बर्न करने के लिए, उनको मेटाबोलाइज करने के लिए एनर्जी लगती है, वो भी एनर्जी यूज होती है आपको पतला करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट मोर वेजिटेबल्स एंड मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स देन फ्रूट्स, राइट। तो कोशिश करना आधा किलो से ज़्यादा वेजिटेबल्स दिन भर में खानी है, फ्रूट्स आपने दो से चार खाने हैं, इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं आपके जो आप कम खा सकते हैं, बिल्कुल कम, यानी दिन में एक बार, वो है आपका जो ब्रेड हो गया, डेजर्ट हो गया, यानी गुड़, चीनी, शक्कर हो गया, या फिर कोई बेक्ड बेक्ड फूड हो गया, बिस्किट हो गए, रस हो गए, चीज़ हो गया, या कोई भी फैटी मील, तला हुआ चीज़, ये कभी कभार खा लो, कभी कभार खा लो, कभी कभार, राइट, कभी कभार, और यानी हफ्ते में एक बार खा ली, ऐसी चीज़ें, ये हो गए थर्ड कैटेगरी, स्मॉल प्रोपोर्शन, इतनों सा खाओगे, जब भी खाओगे इतनों सा, इतनों सा, प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसमें प्रोपोर्शन वाला चीज़ है।
और चौथी कैटेगरी है स्पेरिंगली, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम खाने वाली, ना उससे भी एकदम किंचुम किंचुम वाला खाने वाला, वो आती है आपकी कैंडीज होगी, जो स्वीट्स होगी, मीठे हो गए, कुकीज होगी, फैटी चीजें हो गई, जो मेयोनीज हो गए, आइसक्रीम होगी, ये सारी चीजें बिल्कुल कभी कभार वो भी इतना इतना सा खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो ये जल्दी वाली नहीं है, ये मेंटेनेंस वाली डाइट है, इसको आप हमेशा जिंदगी भर ले सकते हैं। आपको कम से कम 5 बार खाना खाना है पूरे दिन में, इसमें से 3 प्रॉपर मील होंगी, 2 स्नैक्स होंगे, और इसमें आप हैवी खाना खाओगे, पानी खूब सारा पीना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डोमिनेंट होगा, मतलब पूरे दिन में खाना एक पे टेबल पे रखा तो फ्रूट्स वेजिटेबल पानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, वो आपको पेट भरेंगे वो चीज़ें, ना कि दूसरी चीज़ें। दूसरी चीज़ें ऐड ऑन होंगी जिससे आप अपने प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो, दूसरी चीज़ें कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और इसमें क्या है इसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, इसको फॉलो करने के लिए रोज़ाना कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लिमिटेशन क्या है, कई बार हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज उस चीज़ में डालने की कोशिश करते हैं जिसका हमें नॉलेज नहीं है। हम क्या करते हैं, सूप के अंदर बटर के 2-4 पीसेज डाल देते हैं, तो सूप तो पी रहे हैं, हमको लग रहा है सूप कभी भी पी सकते हैं, उसमें बटर डाल दिया, तो ऐसी नहीं है। टू अंडरस्टैंड कि मिक्सिंग ना हो जाए कैटेगरीज की, फैट अलग कैटेगरी में, बटर अलग कैटेगरी में, चीज़ अलग कैटेगरी में, हमें याद रखना है कि हमें कहाँ क्या ज़्यादा खाना है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर कुकिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो भी चीज़ हम पकाते हैं द बेस्ट थिंग इज़ कि टू जितनी भी चीज़ें पका रहे हैं मिनिमम पकाएं, मिनिमम का मतलब है बहुत ज़्यादा गलाना सड़ाना नहीं है चीज़ें, और लो फ्लेम में पकाना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड, एक्सरसाइज जितनी हो सके, आप 1000 नहीं 150 स्टेप्स से शुरू करो, हर रोज़ 100 स्टेप 150 स्टेप तो सब ले लेते हैं, उतना गिन के शुरू करो और धीरे धीरे अपना 5-5 स्टेप बढ़ाते जाओ, 1000 स्टेप तक जाना है आपको, 1000 स्टेप पहुंचे तो फिर आप 10,000 स्टेप तक जाने की कोशिश करो वॉकिंग में, पहले वॉकिंग शुरू करो फिर सोचना रनिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, वट एवर यू वॉन्ट। एक्सरसाइज इज अ थोड़ा सा पार्ट जरूरी है डेली बेसिस पे, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ज़रूरी रखना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है कि कोई भी वेजिटेबल जो मौसम में आ रही है वो खा सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक डाइट एक बहुत ज़रूरी है। क्या ये काम करेगी, एब्सोल्यूटली काम करेगी, जो लोग इसको फॉलो करेंगे प्रॉपरली समझ के उनमें बॉडी में चेंज आएगा और ये ज़िंदगी भर कर सकते हैं। इस हिसाब से करेंगे तो आप अपना मेंटेन रख सकते हैं बॉडी वेट, अगर आप चाहेंगे तो हमेशा के लिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जिसने बनाया वो भी एक न्यूट्रिशन के प्रोफेसर है, PhD है, राइट, जो तो बहुत अच्छी डाइट है जिसके ऊपर 200 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो आपको वॉल्यूमेट्रिक्स डाइट काम करती है अच्छे रिजल्ट के साथ, लेकिन आपको उसको समझना ज़रूरी है कि क्या ज़्यादा खाना है क्या नहीं, और इसके अंदर आप इंजॉय कर सकते हो अपने फूड को, अपना हर टाइप के खाना इंजॉय कर सकते हो, बस क्वांटिटी कम रखो, जो भी आपको हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसकी क्वांटिटी देख लो कौन सी कैटेगरी में आती है, उसको कम रखो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको अगेन समझनी है। वॉल्यूमेट्रिक डाइट ज़्यादा खाओगे, मैं लास्ट में एक ही चीज़ बताऊंगा फाइनल वर्ड, हमेशा ये सोचना आज मैंने पूरे दिन में क्या खाया, उसको अगर मैं फुल माइंड में रख के एक जगह इकट्ठा कर लूँगा, टेबल पे रख लूँगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है तो आपकी डाइट सही नहीं है। सिंपल, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फिर थोड़े बहुत फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिला के सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, बाय वेट हो बाय क्वांटिटी हो साइज हो, उसके बाद थोड़ी बहुत आपके सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, डजेंट मैटर आप वेज हो आप नॉन वेज हो, आप मटन चिकन एग वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ईट, राइट। लीन प्रोटीन है, लीन प्रोटीन वाला वीडियो देख लेना, राइट, यू कैन टेक दैट इन अ गुड क्वांटिटी इन एवरी मील ऑल्सो, राइट। सो रिमेंबर ऑल दीज बेसिक्स एंड यू कैन एक्चुअली डू वेट लॉस वाइल ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। आई होप दैट हेल्प्स, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।